सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कुंज में स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आपको पता होगा कि मैं हिस्ट्री का 1500 MCQ पार्ट लेके आया हूँ, जो कि इसका पहला पार्ट मैं कल का अपलोड कर दूंगा चुका हूँ, इसका सेकेंड ये पार्ट है, ठीक है ना। तो जो लोग भी अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देर ना करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली है, आपको बताना है कि कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, और सी दिया है न्याय दर्शन, और डी दिया है उत्तर मीमांसा। आपको बताना है कि कपिल मुनि के द्वारा दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो ए बी सी डी बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, आपको बताना है प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे सोने के आभूषण, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, पित्तल के सिक्के। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोने के आभूषण को क्या कहते थे जो प्राचीन भारत में, निस्क कहा करते थे, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, आपको बताना है कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो शासक थे कहाँ के, काशी के थे, केकेय के थे, पंचाल के थे, विदेह के थे। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केकेय के थे, केकेय के थे हमारे जो राजा अश्वपति थे, ठीक है ना, उपनिषद काल के। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, आपको बताना है कि किसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किसी पर नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामवेद पर आधारित है संकलन, जो कि ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है ना। चलिए उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, आपको बताना है कि जो उपनिषद पुस्तकें होती हैं वो आधारित होती हैं धर्म पर आधारित होती हैं, योग पर आधारित होती हैं, विधि पर आधारित होती हैं, दर्शन पर आधारित होती हैं। आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, दर्शन, डी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, दर्शन पर आधारित होती हैं उपनिषद की जो पुस्तकें होती हैं, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आपको बताना है कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु नदी थी, गंगा नदी थी, यमुना नदी थी, सरस्वती नदी थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, सिंधु, ए ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, आपको बताना है कि जो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो क्या थी, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1/6, ठीक है ना। धर्मशास्त्रों में राजस्व का जो दर था वो 1/6 था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दस राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, आपको बताना है कि जो दस राज्य युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, गंगा पर लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र पर लड़ा गया था, कावेरी पर लड़ा गया था, पुरुषणी पर लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर, पुरुषणी नदी पर दस राज्य युद्ध को लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पराशरय किसका उपनाम था, पराशरय जो था वो किसका उपनाम है, वेदव्यास का, महर्षि वेदव्यास का, वादरायण का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जान जाइए महर्षि जो वेदव्यास हैं उन्हीं का नाम है, ठीक है ना, पराशरय भी और वादरायण भी, ठीक है ना। तो वेदव्यास महर्षि वेदव्यास का नाम ही पराशरय, इनके पिताजी ये पराशरय ऋषि, इनके जो गुरु थे ये मतलब उन्हीं के नाम पर इनका पड़ा था, ठीक है ना, पराशरय। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जादू टोना डाकिनी साकिनी का वर्णन कहाँ पे मिलता है, आपको बताना है कि जादू टोना डाकिनी साकिनी का वर्णन कहाँ पे मिलता है। आपके पास चार ऑप्शन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें जादू टोना आदि के बारे में देखने को मिलता है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, बताना है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आपको पास चार ऑप्शन है, तक्षशिला, अंत, यहाँ पे मांत्रा होगा ना का मांत्रा, अंतर, जिखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंतर जिखेड़ा, ठीक है ना।
चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वंश या गोत्र के नाम से किस मंडल को जानते थे। आपको बताना है कि वंश या गोत्र के नाम से किस मंडल को जानते थे। आपके पास चार ऑप्शन है, तीसरा सातवां मंडल, दूसरा सातवां मंडल, तीसरा पांचवां मंडल, और दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरा या सातवां मंडल, ठीक है ना। दूसरा या सातवां मंडल जो है उसे वंश या गोत्र के नाम से भी जाना जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे। आपको बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे, 1125, 1028, 1082 और 8021। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1028 सूक्त थे, ठीक है ना, 1028 सूक्त थे हमारे ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, श्री कृष्ण ने स्वयं को साम वेद कहा है। बताइए श्री कृष्ण ने स्वयं को साम वेद कहा है, कहाँ पे कहा है, महाभारत में कहा है, रामायण में कहा है, गीता में कहा है, इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना। तो देखिए लड़के देखते ही महाभारत मार देंगे, तो महाभारत इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, गीता में, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे। आपको बताना है कि जो आर्य आए थे विदेश से वो सबसे पहले कहाँ पे बसे हुए थे, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। जो आर्य सबसे पहले आए थे वो पंजाब में बसे थे, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शक पंचांग का प्रथम मास है। आपको बताना है कि शक जो पंचांग होता है उसका प्रथम मास क्या होता है, फागुन होता है, वैशाख होता है, ठीक है ना, और चैत्र होता है, अषाढ़ होता है। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, चैत्र होता है, जो शक पंचांग का प्रथम मास होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेदांग की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो वेदांग की संख्या है वो कितनी है। आपके पास चार ऑप्शन है, 10, 8, 6 और 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उपनिषद की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 212, 108, 98 और 120। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 108 उपनिषद है। आपको पता होगा एक जनरली सभी जगह देखने को क्वेश्चन ही मिलते हैं, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते, ठीक है ना, यह हमारा भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अजात शत्रु किसका पुत्र था। आपको बताना है कि जो अजात शत्रु था वो किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, बिंबसार का पुत्र था, अशोक का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। देखिए भाई इसके लिए बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत अजीब, बहुत मस्त तरीके से एक लेके आऊँगे वीडियो, जो कि बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। आपको बताया जाएगा कि उसके बारे में मतलब किससे किस चीज़ को रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, अजात शत्रु को किसका पुत्र था, बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबसार हो जाएगा, ठीक है ना। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है ना, और अजात शत्रु था वो बिंबसार का पुत्र था, ठीक है ना। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का किसके साथ अच्छे संबंध बताए जाते थे। आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, तीसरा दिया है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन दिया है बिंबसार। आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका संबंध किसके साथ अच्छे थे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिंबसार हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो संबंध था बिंबसार के साथ अच्छा संबंध था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आजाद शत्रु की हत्या किसने किया। आपको बताना है कि आजाद शत्रु की हत्या किसने किया, बिंदुसार ने किया, बिंबसार ने किया, अशोक ने किया, उदयन ने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। देखिए एक चीज़ जान जाइए, जो आजाद शत्रु था वो किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। तो उन आजाद शत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी बिंबसार की, और उसके बाद जो आजाद शत्रु था इसका बेटा था उदयन, ठीक है ना। तो इसने भी अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था उदयन ने भी, ठीक है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिकंदर महान की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था। आपको बताना है कि सिकंदर महान की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था। आपको बताना है 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है 23 वर्ष है। सोच लीजिए भैया 23 वर्ष में ही पूरा विश्व जीतने निकल गया था और लगभग लगभग जीत ही लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बौद्ध साहित्य में अशोक को कहा गया महाकालेश्वर, चंड चंडशोक और महावीर और दुष्यंत। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। बौद्ध साहित्य में अशोक को क्या कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, चंडशोक कहा गया था बौद्ध साहित्य में अशोक को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कितने ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकुलर निकेटस को हराया था। आपको बताना है कितने ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेलुकर निकेटस को हराया था, 300 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य था सेलुकर निकेटस को हराया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता किसे मिली। आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख थे उसमें सबसे पहले पढ़ने की सफलता किसको मिली, अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली, जेम्स प्रिशेप को मिली, मार्टिन लूथर को मिली, डेविड गुएटा को मिली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिशेप को पहली बार सफलता मिली थी अशोक के शिलालेख को पढ़ने में। तो देखिए भाई ये 25 क्वेश्चन का सीरीज था, ठीक है ना। सीरीज तो ऐसे 1500 क्वेश्चन का है लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन, इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, ठीक है ना। प्लीज जो लोग भी अभी तक हमारे उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसका मैं थर्ड पार्ट कल अपलोड करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।